सब्जेक्टिव शीट नंबर 37 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये शायद हमने कर लिए थे। हमने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया था, चेक करें प्लीज, कर लिया था 6 6। ओके, हमने क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना है। देखो इस क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कितने लोगों ने ट्राई किया और हो गया नहीं हुआ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में अ मैन साइकिल्स अप अ हिल हूज स्लोप इज 1 in 20। पहले पॉइंट नंबर 1 हमने कई काफी क्वेश्चन में यूज किया। जब ऐसे गिवन होता है 1 in 20 तो क्या गिवन है? साइन थीटा। तो साइन थीटा इज 1 in 20, मतलब साइन थीटा इज 1/20। तो पहला स्टेप क्लियर है यहां तक। दूसरा, अब वो कह रहे जो साइक्लिस्ट है वो कितनी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, 6.4 किलोमीटर पर आवर और कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाए जा रहा है। तो एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मैन ऊपर जाए जा रहा है साइकिल करते हुए। आगे, द वेट ऑफ द मैन एंड साइकिल इज 98 kg। तो ठीक है, जो भार है इस साइक्लिस्ट का और साइकिल का वो आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 98 kg। ठीक, क्या है पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, क्या करना है? वॉट वर्क पर मिनट इज ही डूइंग? तो देखो इसमें क्या निकालना है मुझे, वर्क डन निकालना है, जो कितनी देर में करेगा वो, एक मिनट में जो करेगा, ये मेरे को क्वेश्चन में निकाल के देना है। तो ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कहीं पावर का क्वेश्चन है, क्योंकि अगर ये पर सेकंड होता, वर्क डन पर सेकंड, मैं समझ जाता ये पावर पूछ रहे, पर उसने वर्क डन पर मिनट पूछा, ये पावर नहीं हो सकती। ऑब्वियसली क्या होगा, वर्क डन ही निकालना पड़ेगा, जूल में निकालना पड़ेगा। पर मुझे पावर तो फिर भी निकालनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। मैं टाइम को 1 मिनट पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके वर्क डन की वैल्यू निकाल लूंगा। तो चलो पहले पावर निकालते हैं। पावर का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट टाइम करवाया था, फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी हमने डिस्कस किया था। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले साइन थीटा 1/20 है, ये जो मैन है ये साइकिल करता हुआ ऊपर जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने में ये क्या लगा रहा है, फोर्स। और ये फोर्स कहां लगा रहा है, ऊपर की तरफ लगा रहा है। तो ऊपर की फोर्स लग रही है और वेलोसिटी भी कहां है, ऊपर की तरफ है। अब क्योंकि एक्सेलरेट नहीं कर रहा, उसने बोला कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रहा है, और अगर वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इनटू वेलोसिटी, लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और फोर्स क्या होगी, mg साइन थीटा, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ऊपर और नीचे की फोर्स बराबर है, तो एफ इज इक्वल टू mg साइन थीटा। तो पावर की वैल्यू यहां पर क्या बनेगी, फोर्स इनटू वेलोसिटी, और फोर्स की जगह mg साइन थीटा इनटू वेलोसिटी। आपको m पता है, आपको g पता है, आपको साइन थीटा 1/20 पता है, आपको वेलोसिटी पता है 6.4 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो क्या आ गई, पावर आ गई। ये स्टेप क्लियर है यहां तक, पावर की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें उसने पावर नहीं पूछा, हमसे पूछा गया वर्क डन बताओ कितना किया एक मिनट में। तो वर्क डन, पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम। टाइम कितना है, एक मिनट का मतलब 60 सेकंड है। तो पावर हम निकाल चुके हैं 0.1144 और 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करके किसकी वैल्यू आ गई, वर्क डन की वैल्यू आ गई, इन जूल आंसर आ गया। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है, क्योंकि इस केस में फ्रिक्शन नहीं है, तो मेरी जो इस साइक्लिस्ट की अप्लाइड फोर्स होगी एफ, वो एम जी साइन थीटा होगी। और अगर फ्रिक्शन भी होती तो एफ किसके इक्वल होता है, एम जी साइन थीटा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ऐसे केस में कहां एक्ट करती, डाउनवर्ड्स। तो एफ की वैल्यू यहां पर अप्लाइड फोर्स क्या बन जाती है, अगर फ्रिक्शन होती, एम जी साइन थीटा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लेकिन फ्रिक्शन नहीं है तो सिर्फ एम जी साइन थीटा। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एट इट्स मीन पोजीशन। कितनों का ये हो गया मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है, लोएस्ट पोजीशन। और फिर कॉर्नर की पोजीशंस क्या होती हैं, उनका नाम क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशंस। तो ऐसा ही करना पड़ेगा। तो याद रखना, पेंडुलम की ये जो पोजीशन जहां पे रेस्ट पे रहना पसंद करता है, इसे बोलते हैं मीन पोजीशन, या इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन।
एक ही बात है। और पेंडुलम आपका जो टू एंड फ्रो मूव करता हुआ लेफ्ट राइट जाता है, इसे बोलते हैं कौन सी पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन। मेन पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन, ये इसका लॉजिक है। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम एट इट्स मेन पोजीशन, तो ये क्या है इसकी वेलोसिटी वी, ताकि ये इट एबल टू राइज, एबल टू राइज का मतलब ये राइज हो जाए कितना, 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर तक राइज हो जाए, तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर आएगा, ये क्वेश्चन है। तो ये राइज हो जाए कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर राइज हो जाए, तो इसका मतलब इससे ऊपर ना राइज करे, इसका मतलब यही है। और अगर 10 सेंटीमीटर के ऊपर नहीं राइज कर पा रहा तो ये कौन सी पोजीशन है इसकी, एक्सट्रीम पोजीशन। तो ऐसे क्वेश्चन हमने कैसे किए थे, क्या लगाएंगे इसमें, एनर्जी कंजर्वेशन। और याद करो ये सर्कुलर के अंदर हमने ऑलरेडी किया हुआ है, बनता तो ये वर्क पार में अगर चाहिए था, वो सर्कुलर के अंदर जो हमने एनर्जी कंजर्वेशन की थी वो वर्क पार का कॉन्सेप्ट था वैसे, पर करवाया उसे सर्कुलर में था। तो अगर कोई भी बॉडी कैसे जा रही है, इस मोशन में जा रही है, पेंडुलम मोशन है, तो यहाँ पर और यहाँ पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक विल रिमेन सेम, ये देखो। तो आप ऐसा कर सकते हैं, तो यहाँ पे काम करते हैं, पोटेंशियल की वैल्यू ग्राउंड मान लेते हैं जीरो है, काइनेटिक को क्या लिख लेते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर लिख लेते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगी, एम जी इंटू एच, एम जी इंटू एच, और काइनेटिक यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक्सट्रीम पे जीरो, क्योंकि पेंडुलम यहाँ पर आके रुक जाता है, रुक जाता है। तो आप इन दोनों को इक्वेट कर लें, तो इक्वेट करके क्या आएगा, लोएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर और राइट साइड पर क्या है, एम जी एच। कई लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल लोएस्ट पॉइंट पर किस में कन्वर्ट होगी, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक कन्वर्ट होगी, एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल कर लें और वी की वैल्यू निकाल लें। कोई फॉर्मूला मत लगाएं रूट फाइव जी एल का, क्योंकि उसने बिल्कुल नहीं बोला कि मिनिमम वेलोसिटी है, कि वो कंप्लीट सर्कल में घूमे, उसने बोला ही नहीं सर्कल में घूमे, सर्कल तो कंप्लीट ही नहीं हो रहा, वो तो 10 सेंटीमीटर से ऊपर जा ही नहीं पा रहा, तो सर्कल कंप्लीट होने का तो चांस ही नहीं है। तो कोई सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, एक सेकेंड सर, वो जो सर आंसर नंबर 7 था उसके अंदर आंसर जो है वो 5122.13 जूल आ रहा है और आपका जो आया वो है उससे 100 टाइम्स लेस, ऐसा क्यों? क्वेश्चन नंबर 7, एक सेकेंड, यहाँ तक क्लियर कंप्लीट है, पहले 8 सही है? यस सर। सेवन्थ का मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ, मेरा आंसर कितना आ रहा है, मैंने कब निकाला, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मल्टीप्लाई करके आंसर सेम नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ये आ रहा है, ये सही है, आपका भी यही आ रहा है, आपका भी यही आ रहा है, मेरी कैलकुलेशन में पावर तक ठीक है मेरा, आपने पावर निकाल ली, नहीं नहीं कैसे किया, अच्छा आपने एफ इन टू एस कर दिया, ठीक है। अब दो मिनट में जरा थोड़ी देर में चेक करता हूँ, एक असाइनमेंट चलने दो, अभी चेक करता हूँ कि कैलकुलेशन का गड़बड़ कहाँ हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 कितने लोगों का हो गया 9th, क्यों इसमें एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा, लगाया सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक को इक्वेट किया तो 5% का एडजस्ट किया, कर दिया एडजस्ट, ठीक है। देखो एक बात को समझो पहले, इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि बॉब ऑफ द पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन ए, हॉरिजॉन्टल पोजीशन ये होता है, तो पेंडुलम को यहाँ से रिलीज किया और वो नीचे से आएगा, और इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि पेंडुलम की जो लेंथ है वो 1.5 मीटर है और नीचे आते 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 एयर की रेजिस्टेंस भी है, डिसिपेट का मतलब खराब होना, 5% एनर्जी खराब हो गई, क्यों खराब हुई, क्योंकि यहाँ पर एयर भी प्रेजेंट है और एयर इसको रेजिस्ट कर रही है। क्या निकालना है आपको, लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है, वी क्या होगी। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, 1.5 मीटर है आपके सामने और आपका जो पेंडुलम है वो यहाँ से रिलीज कर रहे हैं, तो u इज इक्वल टू जीरो लेना पड़ेगा, नीचे आते 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 वो वेलोसिटी v एक्वायर करेगा। अगर एनर्जी लॉस बिल्कुल भी ना होता, मैं बोल सकता था यहाँ पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक और यहाँ पर सम ऑफ पोटेंशियल बराबर है, पर यहाँ पर बराबर कैसे हो, क्योंकि रास्ते में एनर्जी का लॉस होता हुआ आया। अब एनर्जी लॉस की अगर हम बात करें तो एनर्जी लॉस 5% कैसे एडजस्ट होगा, आप बस मुझे ये बताएं
कि इस पॉइंट पर जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी है, पोटेंशियल है, काइनेटिक तो है ही नहीं, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक है, पोटेंशियल तो है ही नहीं। तो बेसिकली सारी पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है। आप बस ये बताएं कि अगर ये पोटेंशियल यहाँ पर 100 जूल होती, 5% लॉस है, तो यहाँ पर कितने जूल पहुँचती, 95, 5% तो गया, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 95 के इक्वल होती। और सेम कॉन्सेप्ट इसके अंदर है, यहाँ पर पोटेंशियल है कितनी, MGH, और नीचे आते आते MGH नहीं पहुँचेगी इसका, सिर्फ 95% पहुँचेगा, क्योंकि 5% क्या हो जाएगा, लॉस हो जाए, लॉस होगा इसमें। तो इसका 95% जो भी बचा वो काइनेटिक में कन्वर्ट होगा। अब इसे इक्वेट कर लें, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लें, वेलोसिटी की वैल्यू आएगी। मेथड समझ में आ रहा है, मतलब ऐसा मत करें काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल कर दें, इसमें एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही, एनर्जी का लॉस है। और जब हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, वो कह रही है कि यहाँ पर जो एनर्जी है और यहाँ पर जो एनर्जी में 5% ऐड कर दो, हाँ सही है, ये भी सही है, परसेंटेज भी सही है, 95% काट के दे दो, 5% उड़ाई दो, ख़त्म, सही है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें इतना मास पर सेकेंड कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में और सन कर रहा है। देखो हमने ये किया नहीं और इसके ऊपर क्वेश्चन आते भी नहीं, एक फॉर्मूला बुक्स में गिवन है, सन के अंदर इज इक्वल टू MC स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है। कॉन्टिन्यूसली मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता जा रहा है, और कैसे कन्वर्ट होता जा रहा है, बाई फॉर्मूला इज इक्वल टू MC स्क्वायर। अब आपको ई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 4 × 10^10, और आपको सी पता है 3 × 10^8 का स्क्वायर जूल, एनर्जी आ गई। पर आपको क्या पूछा है, कितनी पावर है एनर्जी अपॉन टाइम, और टाइम तो इस केस में वैसे ही 1 सेकेंड है, एनर्जी पुट कर दो आंसर आ जाएगा, इतने वॉट्स इज द आंसर, एनर्जी पर टाइम इज द आंसर। तो ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक, हालांकि ज़्यादा यूज होता नहीं, एक ही न्यूमेरिकल है इसका, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मास कैन बी कन्वर्टेड इंटू एनर्जी बाई फॉर्मूला इज इक्वल टू MC स्क्वायर, बस और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है यहाँ तक, जैसे 10th के बाद क्वेश्चन नंबर 11th हमने कर लिया था, 300% एनर्जी इज इक्वल टू MC p² / 2m वाला फॉर्मूला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ वर्क डन, एक ग्लास ऑफ वाटर को ऊपर लेके जाना है, तो वर्क डन क्या होगा, MGH, सिर्फ MGH लगा लेना आंसर आ जाएगा। फिर वो कह रहे हैं एक मैन पुश कर रहा है एक रोलर को विद अ फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ और एंगल, तो वर्क डन का फॉर्मूला सिंपल क्या लगेगा, FS cos थीटा आंसर, यही लगाया, FS cos थीटा इज द आंसर, क्योंकि F भी है, SP और थीटा भी है। जैसे 13th के बाद क्वेश्चन नंबर 14th में आ गया आंसर इसका, तो इसके अंदर कुछ करना नहीं है, ये लास्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे, 5 kg का मास है और फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो एक्सेलेरेशन आ जाएगी बाय एफ इक्वल टू एम में, काइनेटिक एनर्जी निकाली है 10 सेकंड बाद वी इक्वल टू यू प्लस एटी से पहले वी निकाल लो, फिर हाफ MV स्क्वायर से एनर्जी निकाल लेना, जैसे लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन किए थे, सेम पैटर्न पे है। कितनों का ये हो गया ये, कैसे, एफ वैक्टर पता है और कह रहे डिस्प्लेसमेंट वैक्टर भी पता है, कितनी, 4 अलोंग जेड कैप का मतलब क्या है, के कैप, 4 k कैप। वर्क डन निकालने का तरीका क्या है, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें, के वाली टर्म को के से मल्टीप्लाई करें, आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड कितना आ रहा है, 12। ठीक है यहाँ तक, तो एफ वेक्टर पता है, एस वेक्टर आपने निकाल लिया, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर करेंगे, आंसर क्या आएगा, 12। ठीक है यहाँ तक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। इसमें वर्क डन निकाल लेना FS cos थीटा, और फिर यूनिटरी मेथड से इसके पैसे कैलकुलेट कर देना, 25 जूल में 10 पैसे देने हैं बंदे को, 1 जूल में यूनिटरी मेथड से निकाल लेना कितने पैसे देने हैं, और टोटल वर्क डन तो आप FS cos थीटा से निकाल ही लोगे, और वहाँ से उसके कितने पैसे बनते हैं, वहाँ से कैलकुलेशन कैन बी डन। तो ऐसा कुछ करना है, ईजी क्वेश्चन है, तो आप पहले वर्क डन निकाल लेंगे, आपको अपने आप इसका आंसर पता लग जाएगा। पंप वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम हमने कर लिया था, ह्यूमन हार्ट, ये कितनों का हो गया, कैसे, सुनना चाहूँगा कैसे किया आपने, वर्क डन कैसे निकाला,
वर्क डन कैसे निकाला? ठीक, एमजीएच कैसे किया आपने? नहीं, यहाँ गलत हो गया, कॉन्सेप्ट गलत हो गया। आंसर तो आ जाएगा, आंसर में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली दो चार चीज़ें तुम्हारे को तो घुमाना ही है, क्योंकि डायमेंशनली तो आप ठीक ही कर रहे हो, एमजीएच तो आपने बना ही लिया, एनर्जी तो एनर्जी आ ही जाएगी मल्टीप्लाई करके, लेकिन इसका ना कुछ डीप कॉन्सेप्ट है। अब वही तो सुनना चाह रहा था, अगला क्वेश्चन यही तो था, आपने वो कैसे किया। चलो ठीक है, इसको एक बार स्टार्ट करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको थोड़ा सा ना इसके आगे के, मतलब लोग तो बैकग्राउंड में जाते हैं, हम अगले चैप्टर में जाते हैं, पहले अगले चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझो। देखो, जो वर्क डन का फॉर्मूला है, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ऐसा कुछ वर्क डन का फॉर्मूला, राइट? हमने जितने वर्क डन निकाले वो सारे सॉलिड ब्लॉक्स पे निकाले, हमने पानी पे, हमने गैस पे वर्क डन निकाला ही नहीं। आप चेक कर लो, ना हमने कभी लिक्विड की बात की अभी तक, एक आध क्वेश्चन में कर ली होगी, हाफ एम वी स्क्वायर से कर लिया होगा, लेकिन अदरवाइज हमने लिक्विड की वजह से या लिक्विड की वजह से या गैस की वजह से हमने वर्क डन को नहीं निकाला। ठीक, तो अब इस केस में एक पॉइंट को समझते हैं। क्या पॉइंट है? देखो, इमेजिन करो आपके पास एक ना सिलेंडर है, ये रहा, और इसका जो ये बेस है वो एरिया ए है, इसका जो एरिया है वो ए है। ठीक, अब इमेजिन करो कि यहां पर ना एक पिस्टन ऐसे लगा हुआ है और ये एक पूरा सिलेंडर है जिसका एरिया ए है, यहां पे गैस है, गैस में जबरदस्त प्रेशर है और पिस्टन को उठा के वो बाहर फेंक रही है, पिस्टन बाहर आ जाएगा। पहले ये पिस्टन कहां पे था? पहले ये पिस्टन यहां पे था, तो ये कितना डिस्प्लेस हो गया? बाय डिस्टेंस ऑफ एक्स। किसी ने पूछा क्यों डिस्प्लेस हुआ, तो कोई बोला कि ये जो गैस है ना, गैस ने इस पिस्टन पे क्या लगाई? फोर्स लगाई। अब जब फोर्स लगाई, वो फोर्स ने डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस की, तो यहां पर वर्क डन की वैल्यू गैस की वजह से कितनी है? एफ इंटू एक्स। हाँ ठीक है, बात समझ में आती है, सही है। फिर डीप में गए, मैंने पूछा यार एक बात बता, तूने फोर्स कैसे निकाली? उसने ना फोर्स निकालने में प्रॉब्लम क्या है? मैं तो सोच, गैस है, गैस में करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं और बहुत दूर दूर हैं, मुझे तो पता नहीं ना, यहां पर 100,000 मॉलिक्यूल है, यहां पर 100,000 है, यहां पर सिर्फ 50,000 है या 30,000 है या 20,000 है, गारंटी थोड़ी ना कि सारे मॉलिक्यूल एक साथ ही यूनिफॉर्म फोर्स लगा रहे हैं, लॉजिक है, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल्स की काउंटिंग थोड़ी ना हो रही है, ये तो रैंडम है, रैंडम मोशन में, और रैंडम मोशन में आप कैसे बोल सकते हो सारे मॉलिक्यूल ने बराबर फोर्स लगाई? तो मैंने कहा फोर्स कैसे कैलकुलेट की? तो मतलब तुमने पहले एक मॉलिक्यूल लिया, फिर उसकी 1 न्यूटन ली, फिर 1 करोड़ की 1 करोड़ न्यूटन मल्टीप्लाई किया? कहता ये तो लॉजिक ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर याद रखना, कभी भी गैस ने जो फोर्स लगाई वो नॉर्मल तरीके से निकलती नहीं, कभी भी आप निकाल नहीं पाओगे, मैंने प्रॉब्लम बताई दी आपको। तो गैस के केस में स्टडी करवाया जाता है प्रेशर, तभी तो केमिस्ट्री वाले सिखाते हैं PV = nRT, PV = nRT, वही तो करते रहते हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा तभी तो प्रेशर बढ़ेगा, तो सारा कॉन्सेप्ट किस खेल किसका है? प्रेशर का। अब यहां पर गैस ने क्या लगाया? प्रेशर। और मैंने पूछा प्रेशर क्या है? वो बोलता फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या है? प्रेशर इंटू एरिया। हाँ, अब बात समझ में आती है, क्योंकि जो प्रेशर कैलकुलेट करवाया जाता है +1 के अंदर, एक चैप्टर आएगा हम प्रेशर का चैप्टर करेंगे, 1 हफ्ता लगता है उस सीखने में, गैस का प्रेशर, सिर्फ गैस का प्रेशर सिखाया जाता है। तो गैस या लिक्विड का प्रेशर, गैस या लिक्विड का जो प्रेशर होता है ना, वो कमाल की बात है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हर जगह सेम। आपको कि ये क्या बात बनी, उसमें मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप देखो, आप एक इमेजिन कर लें कि आप एक गुब्बारा लेने से पानी भर लें और उसमें होल्स कर लें और दबाएं एक तरफ से गुब्बारे को, होल में से इक्वल पानी निकलेगा, क्योंकि प्रेशर हर तरफ सेम है। प्रेशर तभी तो वेक्टर नहीं बन पाया, क्योंकि प्रेशर हर तरफ लगता है, एक तरफ नहीं लगता। पूरे कंटेनर में अगर आप पानी भर दें, इस रूम में पानी पानी भर दें और ये फटने वाला है, हर दीवार पे हर कोने प्रेशर सेम लगता है जब ये बिल्कुल फुल होता है। चलो, इस डिटेल में नहीं जाते, ये सिखाया जाएगा प्रेशर चैप्टर के अंदर। प्रेशर लगता है और ये फोर्स की वैल्यू आ गई। तो मैंने कहा वर्क डन कितना है? वो बोला वर्क डन की वैल्यू है, फोर्स को फोर्स की जगह क्या पुट करेंगे? प्रेशर इंटू
एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट. अब मैंने पूछा एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम पिस्टन ऊपर उठ गया या गैस कितना एक्सपैंड हो गई, इसको वॉल्यूम बोलते हैं. तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, रादर इसको बोला जाता है प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना चेंज हुआ. आप जब केमिस्ट्री में कुछ दिन में इक्विलिब्रियम का चैप्टर पढ़ेंगे, सॉरी उसका थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के टीचर आपको यहीं से स्टार्ट करेंगे. गैस पिस्टन पे प्रेशर लगाती है, वर्क डन करती है, पी डेल्टा वी. स्टार्ट हो गया क्या ये केमिस्ट्री में, ऐसा कुछ होने वाला है. पी डेल्टा वी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. अब मुझे नहीं पता कोई केमिस्ट्री का टीचर ये पूरी कहानी सुनाएगा नहीं सुनाएगा, पर मैंने आपको बता दी, आपको पूछने की जरूरत नहीं, आप बता सकते हैं कि पी डेल्टा वी कैसे आया. तो समझ में आ रहा है कि वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, लिक्विड हो या गैस हो. लिक्विड और गैस का कॉन्सेप्ट प्रेशर से ही मापा जाता है, प्रेशर से ही फोर्स निकाली जाती है. इसलिए लिक्विड और गैस के केस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, पी डेल्टा वी. क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो लिखो लिक्विड या गैस के केस में वर्क डन का फॉर्मूला, फॉर्मूला रजिस्टर में लिख लो, पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी. ये फॉर्मूला हमने सीख लिया पी डेल्टा वी का. अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझो. एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था टॉर्सली, शायद आपने नाम सुना हो कभी, सुना हुआ है? नहीं. अच्छा, आपने डॉक्टर के हाथ में वो तो देखा होगा ब्लड प्रेशर की मशीन होती है, ब्लड प्रेशर की मशीन पुरानी वाली, डिजिटल नहीं, जो डिजिटल वो नहीं, वो पंप करता है और वो पूरी मशीन में मरकरी ऊपर जाती है फिर नीचे गिरती है फिर पकड़ा जाता है आपका ब्लड प्रेशर इतना है, ऐसा ही है. तो एक्चुअल में वो मरकरी बहुत हल्का लिक्विड है और पंप करने में बहुत जल्दी ऊपर जाके नीचे आता है. हो क्या रहा है, टॉर्सली एक साइंटिस्ट था जिसको ऐसा लगा कि अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है ना वो भी हमारे ऊपर प्रेशर लगाता है, जिसको आप केमिस्ट्री में एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हो. सुना होगा आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये केमिस्ट्री की टर्म नहीं है. कहीं सोचो कि केमिस्ट्री वालों ने ये निकाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना होता है 180 m × 10^5, ऐसा नहीं है. ये फिजिक्स में सिखाया जाएगा कि एक एटमॉस्फेयर जो हवा है ये हमारे ऊपर प्रेशर लगा रही है, 1 atmospheric प्रेशर. अब इतना बड़ा एटमॉस्फेयर है और उस बंदे ने इतना छोटा एक्सपेरिमेंट किया, जो प्रेशर चैप्टर में आपको बताऊंगा, उस बंदे ने इतने छोटे एक्सपेरिमेंट से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी माप दिया और साथ में ये भी बताया कि अगर आप कहीं सोचें कि मैं समुंदर के 3 किलोमीटर नीचे चला जाऊं और मैं एटमॉस्फेयर के प्रेशर से बच जाऊंगा क्योंकि मेरे ऊपर तो पानी है, तो नहीं बच पाओगे. समुंदर आपके ऊपर पहले तो प्रेशर लगाएगा, फिर ऊपर एटमॉस्फेयर समुंदर पे प्रेशर लगाएगा, तो आपके ऊपर डबल प्रेशर लगने वाला है, सी का भी और एटमॉस्फेयर का भी. सर फटने को आ जाएगा 3-4 किलोमीटर नीचे आके, नसें फटेंगी क्योंकि अंदर ब्लड का प्रेशर है, लिक्विड ब्लड दौड़ रहा है और उधर से पानी का प्रेशर है, और हो सकता है कोई नस फट भी जाए, बड़ी बात नहीं है. बहुत लोगों के नाक में से भी खून आता है जब इस बहुत हाइट नीचे ऊपर जाते हैं, क्योंकि ब्लड का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे. राइट, क्लियर है यहाँ तक? अब मैं ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ आपको, क्योंकि एक्चुअल में उसने क्या किया, उसने ये कहा कि देखो अगर आपके पास एक लिक्विड है, ये लिक्विड है कंटेनर में लिक्विड है, और ये लिक्विड की हाइट मान लो कितनी है, एच है, लिक्विड की हाइट एच है, तो ये लिक्विड, लिक्विड की बात कर रहा हूँ, एटमॉस्फेयर तो है ही हर जगह, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लिक्विड इसके ऊपर
भार लगा रहा है, कोई फोर्स लगा रहा है इसके बेस पे, लेकिन हम फोर्स तो कैलकुलेट करते नहीं है, नहीं करते हैं लेकिन सीधी कैलकुलेट नहीं करते, हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं पहले। तो लिक्विड ने इसके फ्लोर पे कितना प्रेशर लगाया वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है जी प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, इसके बॉटम पे क्या होगा, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, फोर्स डिवाइडेड बाय बेस का एरिया। तो ये क्या है, बेस का एरिया, ये रहा एरिया ए, ए। और इसका फोर्स क्या है, लिक्विड का वेट इसकी फोर्स है डिवाइडेड बाय एरिया ए। लिक्विड का, लिक्विड की फोर्स क्या है, उसका पूरा भार है बेस के ऊपर लग रहा है। मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी बाय एरिया, ऐसा ही है। और वॉल्यूम इस लिक्विड का है कितना, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी इंटू जी बाय एरिया, से एरिया कट गया तो फिर प्रेशर का, बिल्कुल, तो प्रेशर का फॉर्मूला एच रो जी हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है, तो एक फॉर्मूला नोट करो लिक्विड के प्रेशर का, कोई भी लिक्विड उस एच हाइट का लिक्विड है और वो कितना प्रेशर लगाएगा लिक्विड नीचे, नीचे किसी भी पॉइंट पर, एच रोजे, ठीक है यहां तक, एच रोजे। अब अगर आप सी के नीचे 3 किलोमीटर नीचे चले जाएं तो सी आपके सर पे प्रेशर लगाएगी, पानी का प्रेशर होगा एच रोजे, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। ये याद रखना, ये प्रेशर कैलकुलेट करने का तरीका है। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, ये सारा काम प्रेशर के अंदर सिखाया जाता है। पर प्रॉब्लम यह है कि वर्क पर एनर्जी के चैप्टर की यही समस्या है, ये ना बाकी पूरे चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट खींचते हैं अपनी तरफ, कभी प्रेशर का, कभी अपथ्रस्ट का, कभी बॉयंसी का, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा वो भी बताना पड़ता है, जिस वजह से चैप्टर थोड़ा हैवी हो जाता है। अदरवाइज चैप्टर में कुछ नहीं है, अदरवाइज तो कुछ किया ही नहीं है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया तो लगा रहे हैं, बट अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फॉर्मूलाज है, बस बात यह है। तो आज के बाद आपको हो सकता है किसी लिक्विड का प्रेशर ऐसे बिल्कुल भी ना दिया जाए कि लिक्विड एक जगह पे प्रेशर लगा रही है 10 पास्कल, पास्कल मीन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ना नहीं होगा। आपको प्रेशर दिया जाएगा लिक्विड का एच रो जी, दिखाता हूं कैसे, आपको ऐसे दिया जाएगा, ठीक, आपको ऐसे दिया जाएगा, देखो जैसे वो कहेगा कि एक मान लो एक पॉइंट पर प्रेशर लग रहा है, मैंने पूछा कितना प्रेशर लग रहा है, वो कहता है इतना प्रेशर लग रहा है 1 मीटर ऑफ वाटर कॉलम, ये लो इतना प्रेशर लग रहा है 1 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। मैंने कहा 1 मीटर ऑफ वाटर कॉलम का मतलब क्या, कहता है अगर आप ट्यूब के कॉलम में, ये कॉलम है, पानी डालें, जितना प्रेशर वो बेस पे लगाएगा उतना प्रेशर एक पॉइंट पे लग रहा है, ये कहने का मतलब है। तो मेरे को याद आया, हाँ ये टॉपिक मैंने किया हुआ है, तो एच रो जी के फॉर्मूले में एच की जगह 1 × डेंसिटी ऑफ वाटर × g कर लेता हूँ, तो 1 × डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है, 1000 × 9.8 newton per meter square प्रेशर है, मतलब आपको वो सिर्फ हाइट देगा और लिक्विड देगा। एच रो जी में वैल्यू पुट करके आप प्रेशर की वैल्यू पहले निकालेंगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझ में आ रहा है यहाँ तक। ये स्टाइल है किसी भी लिक्विड या गैस के प्रेशर को मेंशन करने का। तो आज के बाद ऐसा चलेगा प्रेशर 1 मीटर ऑफ वाटर कॉलम ऐसे, और अगर ये नहीं गिवन होगा तो हो सकता है ये गिवन हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एक जगह का प्रेशर है 1 मीटर ऑफ मरकरी कॉलम, तो प्रेशर इज 1 h = h × density of mercury × g, तो 1 density of mercury 13.6 होती है इंटू 10³ इंटू 9.8 newton per meter square। तो मतलब पहले ये कैलकुलेशन की जाएगी फिर प्रेशर निकाला जाएगा फिर न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। आप कहोगे यार बड़ा कमाल का तरीका, ये क्या तरीका हुआ, तुम सीधा ही बोल दो ना प्रेशर कितना है, हम स्टूडेंट से क्यों कैलकुलेट करवाए जा रहे हो। इसका ना कुछ फ़ायदा है एच रो जी का, हम आने वाले टाइम में देखते हैं एच रो जी का क्या फ़ायदा है, ठीक है।
मतलब देखो डॉक्टर के लिए कितना मुश्किल है, आप पूछोगे मेरा ब्लड प्रेशर कितना है, डॉक्टर क्या करेगा, वो मशीन लगाएगा, मरकरी ऊपर जाके नीचे आएगी, आपके ब्लड का प्रेशर जो है उसको बैलेंस करेगा मरकरी को, मरकरी हर का लिक्विड है, जहाँ वो बैलेंसिंग पॉइंट आ जाएगा वो कहेगा देखिए इतनी हाइट का प्रेशर है, 120 सेंटीमीटर का प्रेशर है, वो प्रेशर के यूनिट 120 थोड़ी ना। अब डॉक्टर को ये चाहिए, वो पहले पर्ची पे लिखेगा देख प्रेशर है एच रो जी, देख एच इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 × 10³ और इंटू जी 9.8 है ना, और फिर वो कहेगा इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तेरा प्रेशर। यार ये कैसा डॉक्टर है, तो फिजिक्स पढ़ाने लग गया ये तो इसलिए हम एच के साथ का, भाई तेरी जितनी हाइट है उतना तेरा प्रेशर है, बात खत्म हो गई, तेरे ब्लड ने जितनी हाइट अटेन कर ली मरकरी की उतना ही प्रेशर तेरा ज़्यादा है, अंदाजे से वो उन्होंने हाइट याद कर रखी है, वो एच रो जी थोड़ी ना करते हैं, तो हाइट से कैलकुलेशन ईजी है, नहीं तो फिर ये कुछ करना पड़ जाएगा हर जगह जाके, पर हमारी मजबूरी है हमें तो करना पड़ेगा, हम तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, हम डॉक्टर थोड़ी ना, ठीक है, पर पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या करना है, तो इसलिए आप सीधी हाइट से प्रेशर का अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन कैलकुलेट तो आपको फिर भी करना ही पड़ेगा। नहीं करता, सिखाएंगे प्रेशर में, पॉइंट का प्रेशर होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, जो एक क्वेश्चन था मैं तभी पूछ रहा था कि ये क्वेश्चन कैसे किया, क्योंकि इसके अंदर मैं दो चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ। अब देखो ये बिल्कुल स्मूथ जाएगा, क्वेश्चन है कि ह्यूमन हार्ट डिस्चार्जेस 75 मिलीलीटर ऑफ ब्लड एट ईच बीट, मतलब कोई मेडिकल साइंस से कुछ ले रखा है कि वो कहते हैं जी हार्ट जो है वो तो एक मशीन है और वो ना 75 ml 75 ml ऑफ ब्लड एक बीट करता है, 75 ml ब्लड बाहर फेंक देता है, ठीक है समझ में आता है, अगेंस्ट अ प्रेशर ऑफ 0.1 meter ऑफ मरकरी कॉलम, वो कह रहे इतना प्रेशर ब्लड का प्रेशर है उसका, जो भी जिसका भी हार्ट की बात हो रही है 0.1 meter ऑफ मरकरी कॉलम, अब 0.1 तो दे दिया, हम फिजिक्स से बंदे हैं, एचओ जी से पहले कैलकुलेट भी करेंगे इसका प्रेशर, आगे कैलकुलेट पावर ऑफ द हार्ट एज्यूमिंग दैट फ्रीक्वेंसी 80 बीट्स है पर मिनट, एक मिनट में 80 बार हार्ट जो है वो बीट करता है, एक बीट करने पे 75 ml ब्लड बाहर निकलता है, तो 80 बीट करने पे 80 × 75 ml बाहर निकलेगा, अब हार्ट जो है वो वॉल्यूम बाहर निकाल रहा है और प्रेशर भी है, ब्लड प्रेशर भी है उसके अंदर, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या होता है, वर्क डन है, तो हार्ट का वर्क डन अगर आपने निकालना है तो प्रेशर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए काम ये करना पड़ेगा कि ये लो, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर प्रेशर अगर गिवन है 0.1 meter ऑफ मरकरी, तो मैंने बता दिया 0.1 × डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी, और अगर प्रेशर गिवन है 0.1 meter ऑफ वाटर तो 0.1 × डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, ऐसे प्रेशर निकलता है, ये मैंने आपको लिखवा दिया। अब यहाँ पर प्रेशर कितना है 0.1 meter ऑफ मरकरी, तो प्रेशर क्या बनेगा 0.1 × डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी, डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 होती है सीजीएस में, पानी की डेंसिटी सीजीएस में 1 होती है और मरकरी की 13.6 होती है, और सीजीएस में एसआई में 10³ से क्या कर देना है मल्टीप्लाई, तो एच पता है, डेंसिटी ऑफ मरकरी पता है, इंटू 9.8, तो ये प्रेशर की वैल्यू निकाल ली। एक बीट करने पे वर्क डन कितना करता है, एक बीट करने पे वर्क डन है प्रेशर इंटू वॉल्यूम, अब प्रेशर आपको पता है इतना बड़ा और वॉल्यूम 75 ml है, मिली का मतलब है 10³ - 3 और लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, 10³ - 3 एक और मल्टीप्लाई, तो 10⁻⁶ हो जाएगा, तो ये प्रेशर इंटू वॉल्यूम से क्या आ गया, वर्क डन आ गया, पर ये हार्ट तो 80 बार बीट करता है, तो टोटल वर्क डन के लिए 80 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, 80 बीट्स का टोटल वर्क डन आ गया। अब पावर निकालनी है, पावर टोटल वर्क डन और 80 बीट्स कितने समय में हुआ, 60 सेकंड में, तो टोटल वर्क डन को 60 सेकंड से डिवाइड किया, वॉट्स में आंसर आ गया, दिस इज दी पावर ऑफ दिस हार्ट, जिस हार्ट का ये इसको मशीन बना के बैठा हुआ है, 1.33 वॉट की मशीन है ये, कर लो नोट।